आज हम पूरा जलवायु की पुनर्संरचना के लिए प्रयुक्त संकेतकों में से भौमिकीय संकेतकों और हिमीय संकेतकों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल एंड क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो क्लाइमेट। भौमिकीय संकेतकों के अंतर्गत हम कतिपय निक्षेपों का अध्ययन करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वार्फ्स, इवेपोराइट्स, साल्ट फॉर्मेशन, लाइमस्टोन, ड्यूरी क्रस्ट और मृतिका परिच्छेदिका। अंडर द हेड जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स वी इंक्लूड वार्फ्स, इवेपोराइट्स, लाइमस्टोन्स, ड्यूरी क्रस्ट, लोयस एंड सॉयल प्रोफाइल्स। किसी भी झील में शीतल जलवायु वाले क्षेत्रों में शीतकाल में जल का हिमीकरण हो जाता है, जिस कारण क्ले के बारीक कण नीचे जमा हो जाते हैं, और ग्रीष्म काल में जब जमे हुए जल का हिमद्रवण हो जाता है, पिघल जाता है, तो सिल्ट का निक्षेपण होता है। फाइन क्ले पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड व्हेन द वाटर ऑफ लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज आर फ्रोजन एंड सिल्ट इज डिपॉजिटेड व्हेन द फ्रोजन वाटर इज मेल्टेड ड्यूरिंग समर सीजन। और इस तरह से जलाशयों में एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्ले सिल्ट की परतें पाई जाती हैं, एंड दस देयर आर अल्टरनेट बैंड्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन द वाटर बॉडीज। इनके अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का निक्षेपण केवल परिहिमानी जलवायु में ही होता है। सो सच टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट टेक्स प्लेस इन पेरीग्लेशियल क्लाइमेट। इवेपोराइट्स के अंतर्गत हम साल्ट फॉर्मेशन को लेते हैं, जो कि उष्ण और शुष्क जलवायु में संपन्न होता है, और जहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। द इवेपोराइट्स इंक्लूड साल्ट फॉर्मेशन विच इज फॉर्म्ड इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। और इस तरह से जहां पर ये नमक के की मोटी परतें पाई जाती हैं, जमाव पाया जाता है, हम बता सकते हैं कि वहां की जलवायु पहले उष्ण और शुष्क रही होगी। जैसे कि हम भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों खास करके गुजरात और राजस्थान में नमक के भारी जमाव पाए जाते हैं। इसी तरह से लाइमस्टोन का निर्माण उष्ण सागरीय भागों में होता है। द लाइम स्टोन्स आर जनरली फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स इन ओशनिक वाटर। तो अगर आज कहीं शीतल जलवायु वाले क्षेत्रों में लाइम स्टोन पाया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि पहले वहां की जलवायु गर्म सागरीय रही होगी। इसी तरह से एक ड्यूरी क्रस्ट होता है, जिसको हम दृढ़ भूपर्पटी कहते हैं, यानी कठोर भूमि की सतह जो होती है उसको हम ड्यूरी क्रस्ट कहते हैं। सो द ड्यूरी क्रस्ट आर इंड्यूरेटेड हार्डेंड सरफेस एंड दीज ड्यूरी क्रस्ट इंक्लूड लेटराइट्स, सिल्क्रीट्स, आलक्रीट्स, फेरिक्रीट्स, कालक्रीट्स एक्सेट्रा। और हम जानते हैं कि ड्यूरी क्रस्ट में सर्वाधिक जो मात्रा होती है, वह सर्वाधिक जो विस्तार होता है, वो लेटराइट्स का होता है।
और ये लेटराइट्स उष्ण और आर्द्र जलवायु में बनती है। लेटराइट्स आर डिपॉजिटेड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और किसी खनिज की अधिकता के आधार पर इन ड्यूरी क्रस्ट का अलग अलग नामकरण किया जाता है। जैसे ऑलक्रीट में एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती, सिल्क्रीट में सिल्का की मात्रा ज्यादा होती है, फेरिकीट में फेरस यानी लोहे का की मात्रा ज्यादा होती है, कालक्रीट में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो जहां कहीं भी इस तरह से ड्यूरी क्रस्ट मिलता है, वहां की जलवायु चाहे इस समय जो भी हो, लेकिन इस ड्यूरी क्रस्ट के निर्माण के समय वहां की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रही होगी। हम छोटा नागपुर के पठार पर, खास करके रांची के अपलैंड नेतरहाट एरिया और पलामू अपलैंड में इस तरह से लैटराइट की मोटी परतें पाई जाती हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में मां बालेश्वर और पंचगनी में मोटी परतें लैटराइट्स की पाई जाती हैं। केरल में भी लैटराइट्स का भारी मात्रा में निक्षेपण पाया जाता है। लोयस का जहां पर डिपॉजिट होता है, तो उसके आधार पर हम इन्फर कर लेते हैं कि वहां की जलवायु पहले शुष्क रही होगी, हॉट और शुष्क रही होगी, गर्म और शुष्क रही होगी। दूसरा प्रकार जो संकेतकों का है, वो हिमी संकेतकों का है, क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स। तो किसी भी क्षेत्र में, हिमी क्षेत्रों में यानी ध्रुवी क्षेत्रों में और आर्कटिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हिमपात होता है, जिस कारण हिम की परतें जमा होती जाती हैं। देयर इज ए एनुअल लेयर्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ स्नो इन द आर्कटिक एंड पोलर एरियाज। और जब इनकी मोटी परत हो जाती है हिम की, तो उसमें दृढ़ होकर के वो आइस लेयर में बदल जाती हैं। दी स्नो लेयर्स आर हार्डेंड एंड थिकेंड एंड दे बिकम आइस लेयर्स एंड दस देयर इज ए एनुअल आइस लेयर्स इन द पोलर एरियाज। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इस तरह से प्रतिवर्ष आइस लेयर का निक्षेपण होता है, और जिस समय आइस का हिम परत का निक्षेपण होता है, उस समय तमाम वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित तत्व भी इन आइस लेयर में दब जाते हैं। सो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर आल्सो ट्रैप्ड व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल लेयर्स ऑफ आइस। और इस तरह से हम इन हिमानी क्षेत्रों में ड्रिलिंग करके आइस कोर निकालते हैं। वी डिराइव आइस कोर्स थ्रू ड्रिलिंग ऑफ आइस लेयर्स इन द पोलर एरियाज। और इन आइस कोर में जो आइस लेयर्स आती हैं, उनके अध्ययन के आधार पर हम उस समय हिम की परत के निर्माण के समय की वायुमंडलीय दशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कि इनके थिकनेस के आधार पर हम वर्षण के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। अगर मोटी परत है हिम की, एनुअल वार्षिक परत मोटी है, इसका मतलब उस साल वर्षा की मात्रा ज्यादा हुई होगी। सो वी इन्फर द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ एनुअल आइस लेयर। सिमिलरली द केमिकल एनालिसिस ऑफ एनुअल आइस लेयर इन द आइस कोर डिनोट्स द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एटमोसफेयर। इसी तरह से हम जब एनुअल वार्षिक आइस परत का रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो उसे तापमान का पता चलता है। और आइस लेयर्स में जो हवा के बुलबुले दबे हुए होते हैं, उनके आधार पर हम वायुमंडल के संगठन की पुनर्रचना करते हैं।
the air bubbles trapped in the ice layers of ice core reveal the composition of the atmosphere at that time. आइस कोर में जो डिफरेंट आइस लेयर्स होती हैं, उसमें अगर धूल के कण अगर पाए जाते हैं, उसे पता चलता है कि उस आइस परत के निर्माण के समय वायुमंडल ये परिसंचरण कैसा रहा होगा और उसमें तूफानी स्थिति कैसी रही होगी. द डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द आइस लेयर्स डिनोट द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द स्टार्मीनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. अगर इन हिम की परतों में, आइस परतों में अगर अम्ल की मात्रा पाई जाती है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि उसके निर्माण के समय ज्वालामुखी क्रिया ज्यादा सक्रिय रही होगी. इफ वी फाइंड द डोमिनेंस ऑफ एसिड इन द आइस एनुअल आइस लेयर्स दैट डिनोट्स वाइड स्प्रेड वॉल्केनिक एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आइस लेयर्स. वर्तमान समय में आइस कोर के आधार पर पूरा जलवायु के निर्धारण की परियोजनाएं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में चल रही हैं. देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू स्टडी द पैलियोक्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ आइस कोर एनालिसिस इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका. और अब तक ग्रीनलैंड में 110,000 वर्षों तक और अंटार्कटिका में 160,000 वर्षों तक की पूरा जलवायु की पुनर्रचना आइस कोर के आधार पर की जा चुकी है. द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ आइस कोर स्टडीज हैज बीन कैरिड आउट फॉर द 1,10,000 ईयर्स इन ग्रीनलैंड एंड 1,60,000 इन अंटार्कटिका. अर्थात ग्रीनलैंड में विगत 1,10,000 वर्षों तक की पूरा जलवायु की पुनर्रचना आइस कोर के आधार पर की जा चुकी है और इसी तरह से अंटार्कटिका में विगत 1,60,000 वर्षों तक की जलवायु की दिशाओं का निर्धारण किया जा चुका है. द पैलियो क्लाइमेट्स फॉर द लास्ट 1,10,000 ईयर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड इन ग्रीनलैंड एंड द पैलियो क्लाइमेट्स ओवर अंटार्कटिका फॉर द लास्ट 1,60,000 ईयर्स हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड. नमस्कार.